पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, रोशन रोशन। एक गल अपना जेना चो कट छोड़ो, हाँ जेड़ी गल तुहानू मैं आखना पिया, ए वड़ी गल है, वड़ी 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 वड़ी। पाकिस्तान ना जेड़ा मुस्तकबिल है रोशन है रोशन। पाकिस्तान टूटने आस्ते नहीं बनया, बल्कि तारीख बदलने आस्ते, बदलने के लिए बना है। पाकिस्तान की मंजिल इस्लामी इनकलाब है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम इस्लाम के नाम पर बनने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान रमजान ही बनया, रमजान ही कोई मुल्क इस्लामी कोई मुल्क नहीं बनया। जितने भी मुल्क बने इधर मेरी गल सुनी की नहीं, अल्लाह ता आ तारीखों से बने, अल्लाह ता महीने बने। मियाँ हाँ मियाँ खानदान के मुकद्दर में आर्टिकल 6 लिखा जा चुका है, नवंबर 2016 नवाज शरीफ हुकूमत के लिए खतरनाक साबित होगा। 7 का इंसा वोटों के लिए, 8 का इंसा जियाउल हक के लिए और 9 का इंसा मियाँ नवाज शरीफ के लिए। मियाँ नवाज शरीफ के लिए माशाल्लाह पूरे असरात छोड़ देगा। जो खबर कुमी सलामती के हवाले से फीडिंग की गई है, आसार को यूं दिखाई दे रहे हैं कि फौज के कदम पीछे नहीं हटेंगे। ताकतवर मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान अपने हिफाजती दस्तों पर फौरी तवज्जो दें, फौरी फौरी तवज्जो दें, फौरी 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 तवज्जो दें। ए बड़े इधर मेरी गल सुनी की नहीं, ए बड़े असराज हैं, बड़े असराज हैं। इन्हें दी नीयत नहीं ठीक, मैं जड़ी गल आखने हैं, ए नाल खांदे भी हैं, बीच में वड़ दें, लारे भी लग दें, ए चपलूसियां भी करने, अंदरी अंदरी ए गोटियां भी फिट करने। खान साहब ए जिन्हें दे तुसी ए जड़े नेने नेने हो रहे, ए बड़े खतरनाक हैं, बड़े 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 खतरनाक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जड़ी गल तुहाडे नाल मैं करना पिया, भारत के अंदर बहुत बड़ा, भारत और सिंध के अंदर एक बड़ा जलजला आने वाला है, जो हर चीज मलियमेट कर देगा। भारत के ख्वाबों को, भारत की ताकत को चकनाचूर कर देगा, चकनाचूर। जेड़ी गल में आखना गया, भारत के अंदर 1947 से बड़ी तारीख उठने वाली है। जेड़ी गल तुहाडे नाल मैं करना पिया, ए निकी तारीख नहीं की, बड़ी बड़ी तारीख उठने वाली है, उठती नजर आ रही है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के लिए गोरबचोव साबित होंगे। जेड़ी गल आखे लगाना, गोरबचोव साबित होंगे। ए जेड़ा नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी इधर मेरी गल सुनी की नहीं, ए भारत के टुकड़े 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 कर देगी। भारत के पहले 7 टुकड़े नजर आते थे, आज 3 टुकड़े नजर आते थे, अब माशाल्लाह 7 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जेड़ी गल तू आखना, ये वड़ी गल दिन दी दे दी थी। ए पाकिस्तान मुल्क का मुस्तकबिल माहिरीन अरब के हाथों में नजर आ रहा है। हालात गजबा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। कुफर इस्लाम के दरमियान फैसला कुन मार्का शुरू हो चुका है। मुल्क से अफानी निकलते और चैनी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक अले भी दसा चैनी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अफानी फिर दाखिल हो चुके हैं, फिर दाखिल हो चुके हैं। पंजाब अंदर भी और सिंध अंदर भी माशाल्लाह माशाल्लाह दाखिल हो चुके हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ी साजिश नमूदार होने वाली है। एक बड़ी साजिश नमूदार होने वाली है। ए जड़ी साजिश हैगी, इधर मेरी गल सुनी की नहीं, नरेंद्र मोदी रहा और CIA और जे वार्डन, इधर मेरी गल सुनी की नहीं, और जेड़ा पैटागोन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बदनीति नाल जड़ी साजिश हैगी, जंग की शक्ल अख्तियार कर जासी। वड़ी गल है, वड़ी 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 दरिया खैबर पर और वाघा बार्डर पर महफज खड़ा करने की जरूरत बढ़ जाएगी। ऐ महफज खड़ा करने नहीं, नहीं बल्कि इधर मेरी गल सुनी की नहीं, एक एक यूनिट खड़ी करने नहीं जरूरत बढ़ जैसी। मुल्क सदारती निजाम की तरफ बढ़ रहा है, यूं दिखाई दे रहा है कि राणा सनाउल्ला के नाम पर
कूदा फिरने वाला है, वो ऐसी गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। और कूदा फिरने वाला है, आ और चुपकर रोजा तोड़कर नमाज मगरब में शामिल हो जाएंगे। शबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के अहदे से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। मुल्क में नया अंसर पैदा हो चुका है जो किसी भी वक्त मौजूदा निजाम को समेट लेगा। मौजूदा हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब मियां खानदान के हाथ से निकल जाएगा। सिंध आज जरदारी पीपल पार्टी के हाथ से और एमकेएम के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनकरीब करप्ट सियासतदानों की आज जिंदगी उजड़ने वाली है। और 42 खानदान यूमे असाब से गुजरेंगे और इनके पस पड़ता अवारी गुमाशे जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, मौलवी हजरात, फौजी अफसरान, सियासी मौलवी शामिल हैं और मौजूदा हुक्मरानों के सर से दस्ते मिसाई उठ चुका है। फकीर दुहाई देता है, कुर्सी की पूजा करने वालों के दिन गे जड़ी गल आखना पिया, ऐ निकी गल नहीं करना, ऐ वड़ी गल है, वड़ी दिन गे। आप पाकिस्तान उस दौर में दाखिल होने वाला है जहां उसकी हाँ और ना में फैसले होंगे। दुनिया शियार बाश, अब अवाम की कुर्बानी हाँ नहीं होगी, बड़े सर कुर्बान किए जाएंगे। बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार किए जाएंगे, बड़ी खबर आने वाली है। अपने टीवी सेट, एलसीडी और मोबाइल सेट और टच मोबाइल और कंप्यूटर आन रखें। मई आ रही है और बड़ी खबर भी आ रही है और इलेक्शन भी होने वाले। जड़ी गल में गल आखना और एक गल थानू और बड़ी सारी ये भी थोड़े जहनी पा छोड़ना। माशाअल्लाह एक गल भी याद रखियो, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, और शबाज हुकूमत और उसके आगे बेबस हो जाएगी और डॉलर बता देंगे, डॉलर और पैसे की जड़ी वेली वक्त है घटा दे सन। ये जड़ी गल आखना पिया ए वड़ी गल कर दी, वड़ी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और शबाज शरीफ हुकूमत इसके आगे बेबस है, बेबस लेट गई। जड़ी गल आखना पिया ए वड़ी गल है, वड़ी। और एक गल थानू मैं और भी दसना, मुल्क 2018 के बाद सदारती निजाम और एमरजेंसी और खाना जंगी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ी खबर है, 31/12/2016 माशाल्लाह, ये निकी खबर नहीं है कि ना। और एक और बड़ी खबर है, इसराइली फोर्स के जालमाना मामलात जारी हैं। फलस्तीनी जड़े मुजाहिदीन हैं मजलूम इसराइल के नापाक अजाइम क्या कहते हैं, मेरी गल सुनी कि नहीं हो, इन्हें फलस्तीनियों को तबाह और बर्बाद कर दिता। इकले सुलेमानी हस्ते यहूदियों के नजदीक इतना अहम क्यों, इकले सुलेमानी इधर मेरी गल सुनी कि नहीं हो, ये तो इन्हें अपने हस्ते इकले सुलेमानी अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ए वड़ी 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 तो अनुकल दे दी।